ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 29/8/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा लाइट रूप है और हम सभी आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं, तो ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख है मुक्ति धाम और दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति धाम। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे उसकी विधि क्या है? उत्तर है, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। अब शांति धाम को याद करेंगे तो विकर्म विनाश करेंगे, क्योंकि वहां से जब आए तो बिल्कुल सतो प्रधान और लाइट स्वरूप में नीचे उतरे। अब जब हमको अपना पद बनाना है तो हमें क्या करना पड़े? सुख धाम को याद करना पड़े। सुख धाम में है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो लक्ष्य याद आने से लक्षण में आएगी बात और लक्षण में हम कमाई करेंगे ताकि हम जा करके लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करें, तो हमारी कमाई का खाता जमा होगा। तो बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम दूसरी आंख में सुख धाम रहे। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए दो बातें, एक बात बाप का व पढ़ाई का कदर करना है। कदर करना माना रेगुलर पढ़ाई को पढ़ना और बाप को याद करना। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। अभी मुझे कोई रिफ्रेश करे इसके लिए मैं किसके पास जाऊं? वो मुझे योग में बिठावे या मुरली सुनावे या दो मुझे कोई धारणा की बातें बतावे या मेरी उलझन वो सुलझावे या मेरा प्रॉब्लम मैं उनको सुना के लाइट बनूं, ये सब करने के बजाय बाबा कहते हैं कि अपने आप स्वयं को रिफ्रेश करने के लिए क्या करें, मनन चिंतन करके और युक्तियों को निकालना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले, हाँ ध्यान से सुने, कोई कड़वा शब्द बोले तो बाबा कहते हैं सुना न सुना कर देना है, सुनते हुए नहीं सुना। जैसे वरदान है आज का, अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट और अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट माना संत या महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, माना व्यर्थ का ज्ञान ही नहीं हमारे पास। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या, माना इन सब का हमारे पास ज्ञान ही न हो कि क्या होता है, अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। पुरुषार्थ माना इस रथ द्वारा हमें कार्य कराना, एक बार की गलती दोबारा रिपीट न हो, जो मम्मा की विशेषता थी। स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे
सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति।